हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाय हो, आप अच्छे होंगे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो लेके आई हूँ बस एक नया वीडियो, तो चलते हैं। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा। तो पहले इसका घोल बनाते हैं। तो हम पहले ना पानी डालेंगे थोड़ा सा। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसमें डालेंगे हम खाने वाला सोडा, मीठा सोडा होता है ना वही, एक चुटकी। और इसमें डालेंगे हम अजवाइन, पानी में ही डालना है। इसको हम चलाएंगे। मेरे पास एक कटोरी बेसन है। अब इसके अंदर जो हमने जो नमक, अजवाइन और मीठा सोडा डाला था ना, वो मैं इसमें पानी में घुल गया है। अब इसके ऊपर से हम बेसन डालेंगे। इसको घोलेंगे। गाइस, ये थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा है ना, ये थिक लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसको ऐसे फेंटना है बहुत अच्छे से। इसको पकौड़ा जो बनाते हैं ना, उसे थोड़ा गाढ़ा ही पेस्ट रखना है इसका घोल। तो ये हमारा घोल बनके तैयार है। अब ये साइड में रखते हैं। अब हम देखते हैं, ये आलू है, मैंने 3-4 आलू लिए, इनको बॉईल कर लिया है और इनके छिकल हटा दिए। अब इस आलू को हम मैश करेंगे। गाइस, ये कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। अब ये हमारा तेल गर्म हो रहा है, तो ये गर्म हो रहा है और ये आलू है ना, हमें एकदम बारीक मैश कर लेना है पूरी तरीके से आलू की। ये जिनके टाइट गुठली से होते हैं ना गाँठे आलू की, वो अच्छे से फूट जानी चाहिए, क्योंकि ब्रेड में ना हम जब इसे लगाते हैं ना तो बहुत परेशानी आती है। तो गाइस, ये इसमें हम डालेंगे पहले सौंफ, ये सौंफ है, और थोड़ा जीरा, 3-4 हरी मिर्ची जो खाए, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और ये हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। बाकी का अब ये आलू जो थे ना, वो हमने इसमें डाल दिए। तो गाइस, ये आलू है ना, हम इस मसाले के पेस्ट में मिला लेंगे इसको एकदम आराम आराम से। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज गरम मसाला नहीं डालूंगी। गाइस, ये आलू सब में मिल गए हैं मसाले में और ये पक गए हैं। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। गाइस, वो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ऑयल ले लिया है और ये जो पेस्ट है ना, अब हम इसका पता है क्या करेंगे? इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी। आप सोच रहे होंगे ये पानी क्यों डल रहा है, तो अभी हम बताते हैं पानी क्यों डल रहा है। ये हमारे पास ब्रेड है, तो इसको क्या है, पानी यूँ लगाया था कि ऐसे जब हम बना चिपकाते हैं ना, तो ये अगर पानी नहीं डलता ना, तो अच्छी तरह ये आलू का पेस्ट इसे चिपकता नहीं, इसीलिए इसमें हमने पानी डाला है। ये सूखा रहता तो नीचे की साइड ऐसे करते ना, तो ये गिर जाता, इसलिए हमने इसमें पानी डाला है और अच्छे से इसको हम बंद करेंगे। और फिर दूसरी ब्रेड लेंगे, इस तरह इसको दबा देंगे। सारी ब्रेडों को हमको ऐसे करना है जब तक हमारा ऑयल निकल रहा है, फिर ऐसे लगाएंगे। मैं आपको फिर से एक और बार बताती हूँ।
फिर दूसरी ब्रेड लगाएंगे। गाइस ये बहुत अच्छा नाश्ता बनता है। ये तैयार कर लिए, अब हम इसे काटेंगे। ये काट दिए तो हम इसको साइड में रखते जाएंगे। सारी ब्रेड हमें ऐसे ही काटनी है तो हम इसे फिर से साइड में रख देंगे। उठा लिया है, अब हम इसको बेसन के घोल में डिप करेंगे। इस तरह एकदम पूरा कवर करना है। एक तो ये कवर हो गया है और इसको ऐसे ही उठा के कढ़ाई के अंदर हमें ले जाना है। हमारा तेल निकल आया है। इसको हम एक और डाल देंगे, बस इसमें तेल डाल लें। गैस अब इन्हें हम पलटेंगे। इस तरह सारे पकौड़ों को हम जाके थोड़े हैवी हो जाते हैं। इन्हें हम एक छारे में निकाल देते हैं ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो सारा निकल जाता है। देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस फाइनली ये पकौड़े तैयार हो गए हैं और ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे चैनल सीमाज कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन घंटी का जो बटन है ना उसे दबाना ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आए और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ऐसी रेसिपी लेके आए। गाइस अगर आपको ये आप पकौड़ा ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके लिखना। अगर आपको कोई और रेसिपी के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी और बाकी का रिजल्ट आपके सामने है। आई होप आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना और मेरे चैनल सीमांश कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ताकि मेरे वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आए। टेक केयर।